हेलो लर्नर्स इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे के Now, में कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स है नॉर्मल देखे हैं उसके बियॉन्ड उससे परे जाके जो है तो उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज द कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स को आप स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट इसलिए भी बोलते हैं बिकॉज ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सारे एसेंशियल्स ना मौजूद हो कॉन्ट्रैक्ट के

पर्सन ये इसका प्रिंसिपल क्या है uh, जो जिस लीगल प्रिंसिपलिफिट uh, no तो कानून क्या बोलता है कि अगर मुझे किसी सर्विस का या किसी प्रोडक्ट का अगर मुझे बेनिफिट मिला है इवन दो uh, मैंने चाहे वहां उसके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट था कि नहीं था चाहे वो गलती से हो चाहे अन हो चाहे मेरी मंजूरी के बिना अगर मिला है तो

आप कोई बैठ के अपने एसेंशियल्स डिस्कस नहीं कर रहे हैं कहीं पे भी फ्री कंसेंट की बात नहीं है कंसीडरेशन की बात नहीं है दीज आर द कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर क्रिएटेड बाय द लॉ इट सेल्फ दे आर ऑल्सो नोन एज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट तो हम नॉर्मल अभी तक जो हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट पढ़े हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दे आर एक्सप्रेस कॉन्ट्रेक्ट्स कॉजी कॉन्ट्रैक्ट आर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जिसको माना जाता है कि देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट गोइंग ऑन ओवर हिस् सिर्फ यही टाइप्स को इंडियन सेवेंटी टू ये जो आपके पांच सेक्शन है इसके अंदर पांच टाइप दिए हुए सबसे पहले जो है सेक्शन 68 एट विच एज क्लेम फॉर सप्लाई ऑफ नेसेसरीज टू पर्सन इनके पहले इसको हम इसका जो सेक्शन uh, के अंदर जो वर्डिंग है वो देख लेते हैं फिर मैं आपको समझाता हूँ बाय अनादर पर्सन विथ ने टू हिज कंडीशन इन लाइफ द पर्सन फर्निश्ड सच सप्लाइज इज एंटाइटल्ड टू बी रिमवर्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकेपेबल पर्सन आप देखिए इस बात को मैंने इसलिए ब्रेक डाउन करके आप लोगों के, के लिए आपके सामने रखा है सो so दैट बहुत इजीली आपको समझ में आ जाए नाउफ इफ सबसे पहले कंडीशन इसकी क्या है कि इफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इंटू कॉन्ट्रैक्ट मतलब जिस व्यक्ति के लिए हम नेसेसरीज ले रहे हैं वो खुद पहली बात तो इनकेपेबल होना चाहिए अगर आप किसी एबल व्यक्ति के लिए जाएगा, खुद सोच समझ के खुद अपना फैसला ले सकता है उसके लिए ये प्रोविजन लागू नहीं होता है सो इफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इंटू कॉन्ट्रैक्ट और एनीवन हु इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट मतलब उसके डिपेंडेंट्स भी जो है वो भी इसमें कवर होते हैं Is by तो क्या करता है जो, जो से पहले व्यक्ति को खुद सप्लाई किया है इज एंटाइटल्ड उसको जो भी उसने खर्चा किया है उसको उसका मेहनताना उसका उसका रियम्बर्समेंट मिलना चाहिए फ्रॉम द प्रोपर्टी ऑफ द इनकेपेबल पर्सन अब सबसे पहले तो ये समझिए हु इज इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इन टू कॉन्ट्रैक्ट तो चलते हैं कॉम्पिटेंट uh, पार्टीज के ऊपर वहां पे हमने तीन पार्टी मेजरली देखी थी कि भाई माइनर पर्सन पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड या फिर पर्सन ऑफ पर्सन हुन डिस्कालीफाइड बाय लॉ अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टिंग तो वहीं पे एक अनसाउंड माइंड का एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं कि अगर एक व्यक्ति एक लुनेटि, व्यक्ति को पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड को नेसेसरी सप्लाई करता है नेसेसरी मतलब हुआ खाना खाना हुआ पानी हुआ दूध ब्रेड ये सब चीजें हुई या फिर इवन कपड़े या अगर उनके बच्चों की स्कूल की फीस बढ़ता है तो दीज आर द नेसेसरी कंडीशन इन लाइफ ए जो व्यक्ति ये कर रहा है आपको पेमेंट मिलनी जरूरी है उसके अंदर यह नहीं बोला जाएगा कि भाई ये तो मुझे गिफ्ट मिल गई ना इसी के अंदर जो मैंने बात की थी डिपेंडेंट की वो भी कवर किया जाता है अगर कोई व्यक्ति लुनेटिक को के साथ साथ उसके वाइफ और उसके बच्चों को भी अगर नेसेसरी सप्लाई कर रहा है तो वो ये क्लेम नहीं किया जा सकता कि भाई नहीं आपने जो लुनेटिक को सप्लाई किया है उसका तो आपको रियम्बर्समेंट मिलेगा पर उनके वाइफ और बच्चे तो है ना, वो तो के लिए कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट तो एक्ट ये बोलता है आर नेसेसरीज तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर नेसेसरीज ऐसे डिफाइन नहीं किया गया है बट दे आर थिंग्स नेसेसरी सॉरी विदाउट विच एन इंडिविजुअल को घुमाने का कि 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 पे यह बात मानी जाती है कि भाई एक ऐसी चीज जैसे कि किसी इंसान को uh, जिसके बिना वो रीजनेबली एग्जिस्ट नहीं कर सकता नाउ द प्राइस पहले इस बात को समझते हैं नाउ फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा व्यक्ति है uh, एक सिंपल सा सवाल आपको पूछता हूँ एयर कंडीशनिंग इज इट अ लग्जरी और इज इट नेसेसिटी तो कोई इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक कंफर्टेबल uh, लाइफ जी है जिसको एयर कंडीशनिंग की आदत पड़ गई है अब तो साइंस भी इस बात को रिकॉग्नाइज करता है कि यू गेट योर बॉडी गेट्स यूज टू दैट और अगर आपको एयर कंडीशनिंग नहीं मिले तो यू कैन गेट फिजिकल डिसकंफर्ट तो अगर किसी इंसान ने पूरी जिंदगी अगर एयर कंडीशनिंग में अपनी जिंदगी निकाली है और अचानक से अगर उन वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं या फिर उनका पर्सन ऑफ वन साउंड माइंड हो जाते हैं तो उनके लिए एसी सप्लाई करना इज इट अ लग्जरी और नेसेसिटी ऐसी बात आ, कानून में आती है या फिर अगर आ, किसी व्यक्ति के बच्चे सारी जिंदगी अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े और प्राइवेट स्कूल में पढ़े अचानक से अगर अगर उनके 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 साथ कुछ कुछ हादसा होता है माइंड हो जाते हैं और रिलेटिव्स बच्चों की फीस हैं तो क्या उनको उठा के सरकारी स्कूल में डालेंगे कि भाई जहां पे ठीक है बहुत लो फीस के अंदर उनकी पढ़ाई हो सके या उनको प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही डालना चाहिए तो ये सब सवाल आते हैं कि वट इज समथिंग दैट के नॉट रीजनेबली एग्जिस्ट और ये जो जो तो प्राइस पेड होती है ऑफ सप्लाई ऑफ सच नेसेसरी शुड बी रीजनेबल स्कूल का ही अगर मैं एग्जाम्पल लेके ये ठीक है अगर आ, किसी व्यक्ति के बच्चों को इंग्लिश मीडियम और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने की आ

कई बार क्या होता है कि आपको पता है कि मैनिपुलेशन होता है चीजों के अंदर तो कई बार ओवर बिलिंग कर लेते हैं कि भाई हम लोगों ने हमने इस व्यक्ति के लिए पूरे महीने में आठ हजार का खाना खरीदा अब हो सकता है कि भाई खाने की तो कीमत तीन चार हजार रुपए की हो आप कहीं से फेक बिल्स बनवा के आ गए और बोल रहे हो कि भाई हमने आठ हजार का खाना खरीदा तो वहां पे कानून बोलता है कि आठ हजार रुपए का खाना लेके दस हजार रुपए का खाना देने की जगह अगर वो ही खाना आपको तीन हजार पांच हजार में मिलता है तो वाई आर यू पेइंग एक्स्ट्रा उसके पीछे आपका इंटेंशन क्या है तो देर फोर इट शुड बी रीजनेबल

कि जमींदार ने एक, एक किसान है जिसको एक जमींदार ने अपनी जमीन लीज पे दी है लॉन्ग टर्म लीज पे बहुत कॉमन है कि खेती बाड़ी के अंदर किसान लोग जमींदारों से जमीन भाड़े पे लेते हैं लीज पे लेते हैं नौ साल दस साल पंद्रह साल के लिए तो इन्होंने लॉन्ग टर्म लीज के लिए जमींदार से ली हुई है अब ये जमींदार को इसके ऊपर एक रेवेन्यू पे करना था टैक्स पे करना था जिसको बिगोटी भी बोलते हैं प्रॉपर्टी टैक्स भी बोलते हैं कुछ उसको रेवेन्यू कोई टैक्स पे करना था टू द गवर्नमेंट और ये काफी समय से ये एरियर्स में था एरियर्स में मतलब काफी टाइम से जमींदार ने इसकी पेमेंट नहीं की थी अब गवर्नमेंट ने काफी नोटिस देने के बाद इस जमीन की एडवर्टाइजमेंट डाल दी कि भाई हम ये जमीन को ऑप्शन कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो इसके चार्जेस है वो ये जमींदार पे नहीं कर रहा है अब रेवेन्यू लॉ के अंदर ऐसा था कि अगर ये जमीन बिक जाती है तो ऑटोमेटिकली जो किसान जिसके पास ये जमीन भाड़े पे है उसकी लीज कैंसिल हो जाएगी अब किसान पैनिक में आ गया उसने सोचा नहीं यार मुझे मेरी खेती चालू रखनी है मेरा पूरा परिवार इसके ऊपर गुजर बसर करता है सो तो इस चक्कर के अंदर किसान ने ताकि उसकी जमीन उसके हाथ से छिन नहीं जाए वो जमींदार के बिहार पे उसने पेमेंट कर दी उसने सरकार को बोला कि ठीक है चलिए मैं पे कर देता हूँ इसको बेचिए मत ये जो है ये मैं आप जो एरियर्स है मेरे से ले लीजिए अब इस परिस्थिति में जो किसान है वो जमींदार से क्लेम कर सकता है कि आपको मुझे रीएमबर्स करना पड़ेगा बिकॉज ये आपकी पेमेंट थी आपके बी आफ में पे मैंने की फर्स्ट ऑफ ऑल देर मस्ट बी पर्सन हु इज बाउंड बाय लॉ टू मेक अ सर्टेन पेमेंट मतलब जो पेमेंट जो पेंडिंग है इट मस्ट बी समथिंग विच आज बाउंडेड बाय लॉ लीगल पेमेंट होनी चाहिए दूसरा द पर्सन पेइंग मस्ट हिमसेल्फ नॉट बी बाउंड टू पे मतलब कि अगर किसान के कुछ चार्जेस पेंडिंग होते हैं अगर उसका लाइट का बिल पेंडिंग होता है या पानी का बिल पेंडिंग होता है और वो अगर पे करता है तो वो जाके क्लेम नहीं कर सकता ये वो उसके खुद के चार्जेस नहीं होने चाहिए ऑन बिहाफ ऑफ समाराउ वेर ज्वाइंटली लाइबल टू पे पेमेंट बाय हिम वुड नॉट गिव हिम द राइट टू रिकवर अंडर दिस सेक्शन मतलब की अब इस एग्जाम्पल के अंदर समझिए कि एक जमींदार से चार किसान अगर लेते हैं जमीन बाड़े पे और कुछ बहुत बड़ी पेमेंट लाइट बिल की पेमेंट या पानी की पेमेंट पेंडिंग है तो बाकी तीन किसान पे नहीं कर रहे हैं एक किसान उठा के पे कर देता है तो उसके अंदर वो इस सेक्शन की मदद लेके रिकवर नहीं कर सकता अपने बाक, बाकी पार्टनर से उसके अंदर माइट बी अदर लॉज पार्टनरशिप एक्ट के अंदर या जिस भी जिस भी कायदे के तहत वो लोग काम कर रहे होंगे वहां से रिकवर कर सकता है बट इस सेक्शन के अंदर वो क्लेम नहीं कर सकता बिकॉज ही इज नॉट मेकिंग पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ समी हेल्स दे आर ज्वाइंटली लाइबल एंड इट इज पेमेंट बाय वन ऑफ द जॉइंट होल्डर्स देर मस्ट बी अनदर पर्सन इंटरेस्टेड इन सच पेमेंट बींग मेड अब यहाँ पे ये बात जरूरी है के जो पेमेंट हो रही है वो पेमेंट के अंदर आपका जो व्यक्ति जो पेमेंट कर रहा है उसका इंटरेस्ट होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल एक जमींदार है उसकी दो जमीन है उसमें से किसान के पास एक लीज पे और एक पे जमींदार खुद खेती करता है सरकार नोटिस निकालती है जमींदार वाली जमीन के ऊपर तो वहां पे किसान अगर जाके उसका चार्जेस पे करके आता है तो वहां पे उसको ये क्लेम नहीं मिल सकता वहां पे उसको ये नहीं मिल सकता बिकॉज उस जमीन में उसका क्या लेना देना उसका क्या इंटरेस्ट अगर सरकार जमींदार की जमीन बेचती भी ऑप्शन भी करती है तो किसान की लीज के ऊपर उसका कोई असर नहीं हो रहा है, उसकी दूसरी है तो इसी के लिए आप जिस पेमेंट कर रहे हैं जिस चीज के लिए पेमेंट कर रहे हैं उसमें आपका पर्सनल इंटरेस्ट होना जरूरी है नाउ द पेमेंट दस्ट बाई टाइम ऑफ पेमेंट वही बात जो मैंने ऊपर कही वही वाली बात द पेमेंट मस्ट बी मेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वन ओन इंटरेस्ट मतलब की बोनोफाइड मतलब गुड फेथ में पेमेंट होनी चाहिए अभी दो मिनट के लिए मान लीजिए कि जमींदार खुद ये क्लेम कर रहा है सरकार से कि ये जो आपने मेरे लिए जो एरियस निकाले हैं एरियस जो आपने क्लेम किए वो गलत है और वो सरकार के खिलाफ कोर्ट के अंदर अगर जाता है कि नहीं ये जो चार्जेस है गलत है आई एम नॉट गोइंग टू पे दैट अब ऑलरेडी अगर मामला अदालत में चल रहा है और किसान किसी गलत इंटेंशन से या किसी भी रीजन से अगर वो पेमेंट कर देता है इवन दो जमीनदार ने उसको बोला भी है कि भाई मेरा केस चल रहा है मेरा केस पूरा हो जाएगा, उसके बाद बट किसान किसी भी रीजन से, किसी भी रीजन से अगर कर देता है तो वहां पे उसको नहीं मिलेगी वाई बिकॉज इज नॉट पेमेंट थर्ड इज ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन टू पे फॉर इंजॉइंग होती है कि अगर आपको गलती से कोई चीज मिल गई फ्री में मिल गई है जो सामने वाले का इंटेंशन नहीं था फ्री में देने का सो इट इज कॉल अट्यूस एक्ट कवर होता है सेक्शन सेवेंटी में यहाँ पे कहा गया है अ पर्सन लेटर इज बाउंड टू दमर इन रिस्पेक्ट और थिंग सो डन और डिलीवर्ड इसका पहले एग्जाम्पल देखते हैं एक व्यापारी ट्रेड्समैन ये एक दूसरे व्यक्ति के घर पे गलती से गुड्स छोड़ाता है बाय मिस्टेक वो गुड्स छोड़ाता है उसको लग, उसको देने थे उसके नेबर को या उसके किसी और व्यक्ति को देने थे बट वो गलती से गलत एड्रेस पे गुड्स डिलीवर कर देता है और जिस व्यक्ति के घर पे गुड्स डिलीवर किए उसको एज एन ओन ट्रीट करके उसको यूज कर देता है तो इन दैट केस ही इज बाउंड टू पे द जिस व्यक्ति ने गलती से गुड्स डिलीवर कर दिए तो उसको देने की कंपल्सरी ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एग्जांपल है तो आम जिंदगी में आप सब लोगों के साथ मेरे लर्नर्स के साथ कभी ना कभी हुआ होगा उस तरीके से ही समझा देता हूँ कि आपने किसी ई-कॉमर्स e वेबसाइट से कुछ ऑर्डर किया Amazon से Flipkart से आपने अगर कोई शूज एन्जॉय किए सॉरी शूज ऑर्डर किए वो शूज गलती से डिलीवरी बॉय आपको देने की जगह आपके पड़ोसी के घर पे दे जाता है ठीक है तो अगर आपका पड़ोसी वो जूते पहनता है उसको यूज करता है और उसको अच्छे लगते हैं तो इन दैट केस उसको आ, आपको कंपनसेशन देना आएगा क्योंकि यहाँ सेलर के साथ तो भी कंपनसेशन देने कहां से आएगा बट या तो उसको जूते आपको रिटर्न कर देने पड़ेंगे वो ये नहीं बोल सकता है भाई ये तो आपने मुझे गिफ्ट दे दिया या आपको पैसे देने पड़ेंगे तो इसके जो है एक्स मस्ट 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 एक्ट बी लॉफुल नाउ द द पर्सन सप्लाइड गुड्स और सर्विस मतलब एक्चुअली में सप्लाई पूरा हो गया होना चाहिए ऐसा नहीं कि भाई डिलीवरी बॉय आपके यहाँ देने आया और अगर आपका नेबर बोलता है नहीं नहीं ये मेरा घर नहीं उनका ये उनका घर नहीं उनका घर बाजू वाला है तो इन दैट केस

फिर बाद में अगर आप उनसे नहीं खरीदते हो या कुछ भी रीजन से एक्स वाई जेड रीजन से बोलते हैं अरे आपने हमारे गुड्स यूज कर लिए और अभी आप एक काम कीजिए या तो हमें इसका पैसा दीजिए या हमारे को गुड्स रिटर्न कीजिए दिस 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 इज इज नॉट 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 विल बी कवर्ड अंडर सेक्शन ये वैसा नहीं होगा इट मस्ट बी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो हुआ है इट मस्ट मै बी अन इंटेंशनल मिस्टेक द पर्सन फॉर हुम द एक्ट इज डन मस्ट हैव द बेनिफिट ऑफ इट मतलब जिसको ये चीज मिल गई है अभी फॉर एग्जाम्पल अगर uh, ये गलती से अगर आपको सप्लाई हो गया और आप बोलते हो ठीक है कोई बात नहीं अपनी वस्तु उठा के ले जाओ फॉर एक्जाम्पल जूता है कपड़ा है तो ये बहुत नॉर्मल चीज है जिसको आप बोल सकते हैं कि ले जाइए मेरे को नहीं चाहिए या कोई और ऐसे नॉन पैरिशेबल गुड्स है आप बोलते हैं ठीक है ले जाइए बट अगर कोई गलती से अभी कोई पिज्जा डिलीवरी वाला अगर किसी के घर पे पिज्जा डिलीवर कर देता है और वो उसको खा लेता है तो आप पिज्जा कैसे वापस करेगा बिकॉज इट इज समथिंग दैट ही रिटर्न इन दैट केस ही विल नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स फाइंडर ऑफ गुड्स क्या हुआ ये कवर होता है सेक्शन 71 में ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर कई बार शॉर्ट नोट में भी पूछ लेते हैं वट वट इज फाइंडर ऑफ गुड्स एंड वट इज रिस्पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो फाइंडर ऑफ गुड्स तो बहुत सिंपल है अ पर्सन हु फाइंड गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर एंड टेक्स देम इन टू कस्टडी इज सब्जेक्ट टू द सेम रिस्पॉसिबिलिटी एज अ बेली अभी बेली बेलर मैंने अभी तक आपको नहीं पढ़ाया अगर आप ये वीडियो पहले देख रहे हैं तो तो बेली बेलर मैं आपको बाद में समझाऊंगा बट यहाँ पे यह क्या कहा जाता है कि गलती से फॉर एग्जाम्पल आप सड़क पे चल रहे हैं और आपको कोई अंगूठी गिरी हुई मिलती है या अगर आपको कोई घड़ी गिरी हुई मिलती है और आप उसको उठा लेते हैं तो यू आप यू आर द फाइंडर ऑफ द गुड्स तो आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं वो इस सेक्शन में कवर की जाती है तो फाइंड्स गुड बिलोंगिंग टू अदर टेक्स देम इनटू कस्टडी इज सब्जेक्ट टू द सेम रिस्पांसिबिलिटी एज बेली नाउ व्हाट आर द राइट्स क्या राइट्स है क्या हैं, हम लोग देख लेते राइट्स एंड ड्यूटीज। फर्स्ट ऑफ़ ऑल, कंपनसेशन फॉर रिटेनिंग द गुड्स एंड फॉर केयर एंड प्रिजर्वेशन देयर ऑफ ठीक है all, uh, uh, the, the goods, uh, goods तो पहली बात तो इसको पहले हम थोड़ा सा अनपैक करते हैं कि अगर uh, किसी व्यक्ति की घड़ी गुम हो गई बहुत इंपॉर्टेंट बहुत महंगी घड़ी है वो गुम हो गई है और दूसरा व्यक्ति अगर उसको फाइंड करता है उसको फाइंड करके उसको उसको रिटर्न करना सबसे पहले तो उसकी ड्यूटी बनती है अंदर कॉजी कॉन्ट्रैक्ट बट अगर वो घड़ी को प्रिजर्व करने के लिए कुछ उसने कोई एक्सपेंसिस किए कोई चेयर कोई केयर या प्रिजर्वेशन करने के लिए एक्सपेंसिस किए तो वो एक्सपेंसिस उसको सामने वाले से क्लेम करने का अधिकार है बट कंपनसेशन ही के नॉट सू फॉर एनी कम्पनेशन की भाई मैंने तुम्हारी घड़ी अः ढूंढ के दी है अब मुझे इसके बदले में कुछ रिवॉर्ड देना चाहिए कुछ मुझे अवार्ड मिलना चाहिए तो दिस इज नॉट कम्पल्सरी वो सू नहीं कर सकता है अगर जो ओन है जिसकी घड़ी गुम हो गई है उसने पेपर के अंदर एड डाली है कि भाई ये फलानी फलानी मेरी घड़ी है ये फलानी फलान है मेरा पासपोर्ट है ये अगर किसी को भी मिलता है तो मैं उसको हजार रुपए का इनाम दूंगा तो उस केस के अंदर आप सू कर सकते हैं इनाम के लिए अदरवाइज यू के नॉट बट केयर एंड प्रिजर्वेशन के लिए आप कर सकते हैं केयर एंड प्रिजर्वेशन के लिए आप बोलेंगे कि साहब घड़ी के अंदर क्या केयर एंड प्रिजर्वेशन रहा तो ये सेक्शन सारे गुड्स को कवर करता है दो मिनट के लिए मान लीजिए दैट इफ यू फाइंड किसी का मैंगोज की पेटी आपको मिलती है जो किसी व्यक्ति को बिलोंग करती है और आपको मिलती है आपके घर पे गलती से डिलीवर हो गई या एक्स वाई जेड किसी भी रीजन से आपको मिलती है आप सोसाइटी में जा रहे हैं बाहर पड़ी हुई आपको पता नहीं किसकी है और आप उसको ले आके अपने फ्रिज में रखते हैं फ्रिज में रखने के लिए आपका खर्चा होता है लाइट बिल का खर्चा होता है जो भी होता है तो आप सामने वाले से व्यक्ति से बोलते हैं कि ठीक है आप अपनी आम की पेटी ले लीजिए बट इसकी एवज में जो मेरा लाइट बिल लगा है जो चार सौ पांच सौ रुपए मेरा जो खर्चा हुआ है इसको प्रिजर्व करने के लिए तो वो तो मुझे मिलना चाहिए तो दिस इज मेंट बाय दैट यू कैन क्लेम द चार्जेस फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ इट नाउ ही इज एंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ द गुड्स टिल द ओन ट्रू ओनर इज फाउंड मतलब कि जिसको भी गुड्स मिले हैं वो अपनी कस्टडी में इसको रख सकता है जब तक उसको इसका राइट फुल ओनर नहीं मिलता है नो बडी कैन टेक द गुड्स फ्रॉम द फाइंडर ऑफ गुड्स अंटिल अनलेस ही फाइंड द ट्रू ओनर कुछ परिस्थितियों में ही कैन इवन सेल द गुड्स बट ये किन कंडीशन में किया जा सकता है फर्स्ट ऑफ ऑल वेर द कॉमोडिटीज पेरिशेबल अगर नॉन पेरिशेबल कमोडिटी है भाई कोई जूता हुआ कोई घड़ी हुई कोई ज्वेलरी हुई तो दिस इज नॉन पेरिशेबल कम्युडिटी जिस कमोडिटी uh, जिसको आपको अगर आप नहीं भी बेचेंगे और इसको दो साल तीन साल चार साल अगर संभाल के रखेंगे तो भी कुछ नहीं होगा तो वहां पे आप डायरेक्टली नहीं बेच सकते पर कोई खाने पीने की चीज हुई है, या ऐसी चीज हुई जो सड़ सकती है गल सकती है उस कॉमोडिटी को अगर आप सोचते हैं कि भाई ये तो दो दिन में खत्म हो जाएगी इसको फटाफट इसको बेच के एटलीस्ट पैसा तो रिकवर कर लू तो वहां पे यू कैन डू दैट या फिर आपने ओनर को फाइंड करने के लिए पूरी की पूरी मेहनत कर दी सारी जद्दोजहद लगा दी उसके बाद भी आपको ओनर नहीं मिलता इन दैट केस यू कैन सेल द कमोडिटी इफ द द ओनर रिफ्यूज रिफ्यूज टू टू पे लॉफुल चार्जेस मैंने ऊपर आपको समझाया कि भाई आपको कुछ चार्जेस मिलने का अधिकार है और ओनर बोलता है नहीं दूंगा भाई तो आप बोलते हो ठीक है कोई बात नहीं तो मैं इसको बेच देता हूँ बेच के जो मेरे चार्जेस है वो रिकवर करके बाकी का अमाउंट आपको दे दूंगा बाकी का अमाउंट देना आएगा बट uh, मेरे चार्जेस में रिकवर कर लेता हूँ

कि जैसे जिस तरह से आप अपने सामान की रखवाली करते हैं अपने सामान की देखभाल करते हैं उस तरह से आपको रीजनेबली देखभाली करनी पड़ेगी अभी जैसे मैंगो उसका एग्जाम्पल दे रहा था अगर आपको मिलती है सोसाइटी में पड़ी हुई कहीं मैंगो का एक क्रेट मिलता है तो आप उसको बाहर नहीं रखेंगे क्योंकि आप अगर आपके खुद के आम भी होते तो उसको आप फ्रिज में रखते हैं या संभाल के रखते हैं तो इन दैट केस यू हैव टू टेक अ रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स आप सही ओनर को ट्रू ओनर को कम से कम ढूंढने की कोशिश तो कीजिए आप चुपचाप बैठ नहीं सकते आप ये नहीं बोल सकते अरे मुझे ओनर नहीं मिला मैंने गुड्स यूज कर दिए नो यू हैव टू पुट अ रीजनेबल एफर्ट टू फाइंड द ओनर ऑफ द गुड लास्ट इज

आपको दबा के धमका के अगर आपसे पैसा ली आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर किया है और आप बोलते हैं कि नहीं अब मुझे कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं करना है मुझे अवॉइड करना है इन दैट केस यू कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट बट यू हैव टू पे बैक वट एवर बेनिफिट रिसीव्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट नाउ एन बी मिस्टेक का एग्जाम्पल यह यहाँ पे दिया हुआ है uh, ये तो मैंने आपको अभी समझाया मिस्टेक का एग्जाम्पल यह दिया हुआ है कि, ये, okay, दो व्यक्ति है ए एंड बी दे ज्वाइंटली रुपीज हंड्रेड टू सी दोनों को सी को सौ रुपए मिल दोनों को देने थे भाई दोनों ने पचास पचास रुपए लिए होंगे उनको सी सी को को देने थे इंपॉर्टेंट बात ये है दे दे बोरोड फ्रॉम नाउ ए पता नहीं होता कि ए uh, जाता है वो सी को जाके सौ रुपए दे देता तो उसको सड़क पे चलता हुआ मिलता है ले भाई ये हमने तेरे से सौ रुपए लिए थे हमारा काम पूरा हो गया ये रख ले सौ रुपए बी को पता नहीं है बात बी गलती से बाय मिस्टेक बी को अगर सी रस्ते में मिलता है तो बी भी सी को दे देता है याद नहीं है इट कैन बी एनी रीजन वो एवर सी इज बाउंड टू रीपेट टू बी वो उसको उसको वापस पैसा देना पड़ेगा ऐसा नहीं कि दो सौ रुपए लेके जेब में बैठ जाए रिटर्न वट एवर इज बीन रॉन्गली पेड टू हिम अंडर मिस्टेक लास्ट क्विकली कॉन्ट्रैक्ट वर्सेज कॉजी कॉन्ट्रेक्ट का हम डिफरेंस देख लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट जो है इट इज फॉर्म द विल ऑफ द पार्टीज पार्टीज की अपनी अपनी इच्छा से अपनी फ्री कंसेंट से बनता है एंड इट इज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट विद व्यू टू क्रिएट एन ऑब्लिगेशन कॉजी कॉन्ट्रैक्ट इज एन ऑब्लिगेशन दैट क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे आपको लाइक यू आर नॉट आप अपनी इच्छा से नहीं करते हैं बट देर आर फ्यू थिंग्स जिसके कारण आप ओब्लाइज हो जाते हैं आपको देना पड़ता है आपको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट सबसे पहले हम पहले ही देख चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट का जो पहला स्टेप होता है दैट इज मतलब कॉन्ट्रैक्ट से पहले एग्रीमेंट होता है एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ कॉन्ट्रैक्ट बनता है कॉजी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देर इज नो एग्रीमेंट एट ऑल जरूरी नहीं है कि कोई एग्रीमेंट हो बिना किसी एग्रीमेंट के भी कॉजी कॉन्ट्रैक्ट होता है इनफैक्ट बिना किसी एग्रीमेंट के ही कॉजी कॉन्ट्रैक्ट होता है अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कॉन्ट्रैक्ट के कुछ सर्टन एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो हम लोगों ने दस एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखे हैं वो सारे एसेंशियल एलिमेंट्स होना जरूरी है नहीं तो उसके बिना कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई एसेंशियल एलिमेंट नहीं हो तो भी परिस्थितियों के हिसाब से बन सकता है सो एसेंशियल्स, एसेंशियल एलिमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर एबसेंट इन कॉजी कॉन्ट्रैक्ट

बट इट रिजल्ट निकलता है वो कॉन्ट्रैक्ट तो स्वरूप में कवर किए अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो प्लीज लाइक बटन दबा दीजिए थोड़ा सा ईगो बूस्ट होता है सो थैंक यू सो मच एंड अगर मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट में जब भीटेड या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर या सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी वीडियोस अगर मैं अपलोड करूं तो आप तक तुरंत पहुंच जाए एंड uh, अपने क्लासमेट्स और अपने कॉलेज मेट्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा बिकॉज मेरा इंटेंशन यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी मदद से पढ़ सके एग्जाम्स के लिए तैयारी कर सके तो थैंक यू सो मच एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन डू राइट इन द कमेंट बॉक्स आई प्रोमिस आई विल रिस्पॉन्ड ईच एंड एवरी कमेंट थैंक यू